क्वेश्चन, इफ ए बाई बी इक्वल टू 1/3 कोमा बी बाई सी इक्वल टू 2 कोमा सी बाई डी इक्वल टू 1/2 कोमा डी बाई ई इक्वल टू 3 एंड ई बाई एफ इक्वल टू 1/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी अपॉन डी ई एफ। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम a अपॉन d निकालेंगे, तो a अपॉन d के लिए हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। a अपॉन b इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी इक्वल टू a अपॉन b की वैल्यू है 1/3 और b बाई सी की वैल्यू है 2 और c बाई डी है 1/2 इम्प्लाइज दैट। तो इसमें ये c से c कैंसिल हो रहा है, b से b, सो ए अपॉन डी इक्वल टू और इसमें 2 से 2 1/3। और इसी तरह से हम बी बाई ई निकालने के लिए बी से लेके ये यहाँ तक कर लेंगे, बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी इंटू डी अपॉन ई इक्वल टू 2 × 1/2 × 3 इम्प्लाइज दैट। तो ये डी से डी कैंसिल हो रहा है, सी से सी, सो बी अपॉन ई इक्वल टू और इसमें 2 से 2 कैंसिल 3। और हमें सी अपॉन एफ निकालना है, तो अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, सी अपॉन डी इंटू डी अपॉन ई इंटू ई अपॉन एफ इक्वल टू 1/2 × 3 × 1/4 इम्प्लाइज दैट। तो इसमें डी से डी कैंसिल हो रहा है, ई से ई, सो सी अपॉन एफ इक्वल टू 3/8। सो देयरफॉर ए बी सी अपॉन डी ई एफ इक्वल टू, तो हम ए बाई डी के जगह लिखेंगे ये 1/3 और b by e के जगह लिखेंगे 3 और c upon f के जगह ये 3/8। ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, सो इक्वल टू 3/8 आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।